बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको सारा से व्लॉग चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम भी खैर खैरियत से हैं। और आज की वीडियो का आगाज मैं अपने किचन से कर रही हूँ और किचन में मैं बना रही थी चिकन कौरमा। और एक साइड पे मैंने चने उबालने के लिए रख दिए थे, यहाँ पे मेरे चने बहुत अच्छे तरीके से उबल गए थे और सही गल गए थे चने। और ये मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही थी आज, क्योंकि बहुत दिनों बाद मेरी अम्मी और भाई भाभी आएंगे तो मैं अपने पठानों वाली जो डिश होती है चने मेवे वाले चावल वो बनाऊंगी, साथ मीठे में भी देखती हूँ कुछ बना लूंगी। और ये कोरमा भी बना रही थी मैं, और घर की सफाई मैंने कर दी थी सारा। इस टाइम स्कूल में है और स्कूल से उसकी स्कूल जब वो जाती है तब मैं घर का सारा काम खत्म कर देती हूँ। और एक साइड पे मेरे कपड़े जो धोए हुए थे वो भी मैंने कहा मैं तय करके अलमारियों में रखूँ। यहाँ पे सारा स्कूल से आ गई थी और ये बहुत ज्यादा खुश थी कि अम्मी आ रही हैं। और ये है माशाल्लाह स्कूल से आते साथ ही सबसे पहले आइसक्रीम खाती है और बस आइसक्रीम खा रही थी और बार बार पूछ रही थी अम्मी कब आएगी अम्मी कब आएगी। आप पढ़ो ना, फिर वो भी उनको भी आ जाएगा, आप पढ़ो। फिर मैं किचन में आ गई हूँ और ये यहाँ पे मैंने सेला चावल जो है भिगो के रखे हुए हैं, इसको मैंने 2-3 घंटे से भिगो के रखे हुए हैं। और यहाँ पे एक साइड पे मैंने इसका पानी रख दिया उबालने के लिए। और यहाँ पे मैंने प्याज काट के रखा है जिससे चावलों को रंग दिया जाता है और इसमें कोई मसाले नहीं डलते। इस चावलों की पूरी रेसिपी जो है ना मेरे चैनल पर है, जिस जो मैंने पहले भी ये बनाए हुए हैं। अभी तो सिर्फ मैं पका रही हूँ, कोई रेसिपी मैं नहीं बताऊँगी, बस सिर्फ ये सिंपल ही आपको बता रही हूँ कि ये प्याज से जो है ना इसको हम रंग देंगे। खाली रेसिपी है मेरे चैनल पे। और ये प्याज जो है ना मतलब लाल करके फिर प्याज निकाल लेते हैं, उसको पीस लेते हैं, फिर दोबारा उसी घी में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के तो रंग उस तरह निकलता है। और ये यहाँ पे मैंने मेवा जो है ना भिगो के रख दिया, ये काबली मेवा होता है और इसको 2-3 दफ़ा मैंने धोया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, वो मिट्टी इसकी निकल गई, उसको मैंने धो के साफ करके अब रखा हुआ है। और मेरी अम्मी और भाई भाभी आएंगे और क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम लोग पार्क भी जाएंगे तो इधर से आप और सारा भी हमारे साथ चले जाएं, तो इस वजह से मैंने उनको कहा खाना आप इधर ही खाना, हमारे घर खाना इधर खा के तो फिर हम लोग शाम को ही निकलेंगे, क्योंकि इस टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और अल्लाह हाफिज़। वो तन्हा कौन है अल्लाह हू अल्लाह, बादशाह वो कौन है अल्लाह हू अल्लाह, मेहरबान वो कौन है अल्लाह हू अल्लाह, क्या ऊंची शान है अल्लाह हू अल्लाह, उसकी सब निशान है अल्लाह हू अल्लाह, सब दिलों की जान है अल्लाह हू अल्लाह, अल्लाह वो तन्हा कौन है अल्लाह हू अल्लाह, बादशाह वो कौन है अल्लाह हू अल्लाह, मेहरबान वो कौन है।